तो दोस्तों अब यहाँ पर भारत की कंपनी ओमेगा से की, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उन्होंने अब एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए भारत के नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लॉग नाइन मटेरियल्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। और इस पार्टनरशिप के तहत अब ये लॉग नाइन द्वारा विकसित की गई बैटरीज का यूज़ करेंगे, जो कि रैपिड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब इस बैटरी की खासियत यह है कि ये 30 से 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, और करेंटली देखें तो इंडिया में इस तरह की बैटरी अभी फिलहाल कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, एक्सेप्ट लॉग नाइन मटेरियल्स। और वहीं रेंज की बात करें तो ये आती है 65 टू 100 किलोमीटर के रेंज के साथ। अब भले ही यहाँ पर काफ़ी लोगों को कम रेंज लग रहा होगा, एटलीस्ट 150 किलोमीटर तक का रेंज होना चाहिए था, लेकिन कॉस्ट को देखें और साथ ही में ये रैपिड चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, तो रेंज एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वैसे आपको बता दें कि ये जो भारतीय कंपनी है ओमेगा से की प्राइवेट लिमिटेड, तो इनकी भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई सारे देशों में काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है, जिसमें शामिल है यूएई, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, जापान और हांगकांग। और आने वाले समय में उनका ये भी प्लान है कि वो बांग्लादेश में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। इसके लिए वो 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे इन ढाका। और वहीं इंडिया में बात करें तो करेंटली इनके फिलहाल दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया के भीतर मौजूद हैं। सबसे पहला तो फरीदाबाद में है और दूसरा हरियाणा के मानेसर में मौजूद है। वेल, अब इस रैपिड एक्स बैटरी टेक्नोलॉजी के और भी फीचर्स पे नजर डालें तो जैसे कि मैंने बताया कि ये आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। दूसरा, ये एक्सट्रीम सिनेरियो में भी पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए फिट है। इंडियन कंडीशंस तो छोड़िए, ये इतने एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सकती है, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से लेके एक्सट्रीम हीट ऑफ 65 डिग्री सेल्सियस तक ये आसानी से ऑपरेट कर सकती है। और चार्जिंग साइकिल भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 15,000 चार्जिंग साइकिल्स के साथ ये आती है। और साथ ही में ये स्टार्टअप कंपनी 15 साल के बैटरी वारंटी भी प्रॉमिस करती है। और हमेशा से आपने सुना होगा इंडिया के भीतर जो 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो उसमें सबसे पहले हमें वाटरवेज को फोकस करना चाहिए, उसके बाद रेलवेज, फिर रोडवेज और फाइनली एयरवेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रोडवेज को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा कि 85% जो भी कार्गो है तो वो तो रोड से ही ट्रैवल हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम है ही, उसके ऊपर से ये भी प्रॉब्लम है कि जो फ्रेट व्हीकल्स हैं तो वो भी भारी मात्रा में डीजल खर्च कर देते हैं। लेकिन इसी तरह के अगर हम इलेक्ट्रिक फ्रेट लोडर्स और आगे चलकर इलेक्ट्रिक ट्रक्स को बनाएं तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व भी हो सकती है, और ये काफ़ी अच्छा भी है हमारे एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखते हुए। ओमेगा सेकी के चेयरमैन उदय नारंग जी ने कहा कि इंडियन स्टार्टअप्स आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन ला देगी इंडिया के इकोसिस्टम में। इनकी कंपनी ओमेगा सेकी काफ़ी क्लोजली काम करती है सभी एस्पेक्ट्स पर, और इनका मेन फोकस है डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट और मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। और अब लॉग नाइन स्टार्टअप के साथ जो पार्टनरशिप हुई है इनकी रिवोल्यूशनरी जो बैटरी है, तो इससे रेंज एंग्जाइटी तो लगभग ना के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू फॉर मनी है और इंडियन कंडीशंस के लिए पूरी तरह से फिट, लॉन्ग टर्म और रिलायबल है। वैसे आपको बता दें कि ये वही स्टार्टअप है लॉग नाइन मटेरियल्स जिन्होंने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्यूल सेल बैटरी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया है। ये वो बैटरी टेक्नोलॉजी है जहां पर आपको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस कुछ सर्टेन किलोमीटर्स के बाद, रफली आप कह सकते हो 300 से 400 किलोमीटर बाद एल्यूमिनियम शीट्स को चेंज करना पड़ता है और बस यू आर रेडी टू गो। वैसे ये स्टार्टअप आने वाले समय में 100 किलोमीटर तक के रेंज की इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी भी डेवलप करेगा। फाइनली लॉग नाइन मटेरियल्स के को फाउंडर और सीईओ अक्षय सिंघल जी ने कहा कि हमारी ये जो रैपिड एक्स बैटरी टेक्नोलॉजी है, तो अभी फिलहाल इंडिया जो कोर चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि हाई डाउन टाइम ड्यू टू चार्जिंग, लो रिलायबिलिटी, पावर ड्रॉप, फिर व्हीकल्स में चार्जिंग डिस्चार्जिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, रेंज काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होने लगती है, बैटरी की एफिशिएंसी भी डिग्रेड होने शुरू हो जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है इनकी बैटरी टेक्नोलॉजी। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इन दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप द्वारा जो हमें फाइनली रिजल्ट मिला है, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा आइडियल चॉइस बन जाता है। वैसे ये दोनों ही कंपनी स्पेसिफिकली B2B ऑपरेशन को ही फोकस करती है, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। और वैसे तो इन्होंने 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक फ्रेट लोडर को तो विकसित कर ही लिया है, लेकिन इन्हें 4-व्हीलर जो मिनी ट्रक आते हैं तो उन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इनका मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो होपफुली यहाँ पर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक पैसेंजर सेगमेंट के साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्रेट व्हीकल्स पर भी एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन हमें देखने मिलेगा।